नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं इस वीडियो में जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई 2024 की थर्ड लिस्ट के संबंध में देश भर इसके लिए निरीक्षा कर रहा है। मैं हम लोग डिपार्टमेंट से आज हम लोग इंक्वायरी किया, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का हम लोग प्रयास किया। साथियों, मुझे ये पता लगा, आप लोग कभी मालूम है देश में, मैं पहले भी मेरे पिछली वीडियो में भी बोला था, इलेक्शन आए वो तो महाराष्ट्र और झारखंड के लिए नहीं आएगा करें, परंतु आपका मालूम है इसके साथ देश बहुत राज्यों में सर्कलों में उपचुनाव चल रहा है। इसका मुताबिक अभी डिपार्टमेंट फिर कल शाम के बाद आज डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमीशन का लेटर लिखा है। अभी यदि उष्टिकोम कभी इसका रिजल्ट में देना और ना देना, इस संबंध में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। और दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट ने हर सर्कल से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किधर किधर इलेक्शन हो रहा है, उन डिवीजनों का कितना है, इसका कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, यदि इलेक्शन कमीशन का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उन इलेक्शन हो रहा है उन राज्य और उन डिस्ट्रिक्ट उनका छोड़ के बाकी जगह के लिए, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन से आने के बाद इस हफ्ता आखिर तक कल लो परसों कोई समय में आएगा। थोड़ा आप लोगों को पेशेंस रखो, इलेक्शन का समय में कोई ऐसे निर्धार डिपार्टमेंट टू ले नहीं सकता, ये इलेक्शन कमीशन का निर्धार का मुताबिक कार्य करना पड़ता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर फाइल आ जाएगा, पूरा देश से सभी हेड ऑफ द सर्कल से भी रिपोर्ट डिपार्टमेंट लेके इस हफ्ता 2-3 दिन के अंदर निर्णय लेके तैयार तो है। पिछली 3 तारीख का लास्ट डेट था, आज 10-15 दिन का तैयारी होके रखा है, इसलिए ये इलेक्शन इत्यादि के कारण डिले हो रहा है। अभी समय है, 2-3 दिन के अंदर दोबारा आ जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, आपका डॉक्यूमेंट का तैयारी बना के रखो। ये वीडियो के द्वारा आपका अवगत कराने के लिए कोशिश किया। यही अभी इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन के कारण अभी कैसे भी महाराष्ट्र और झारखंड का छोड़ के बाकी राज्यों का आएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्टों में चुनाव हो रहा उन डिस्ट्रिक्टों का नहीं आएगा। हम लोग पोस्टल में डिवीजन बोलता है, जनरली डिस्ट्रिक्ट होता है, उन व्याप्तियों में भी अभी रुकवाने का चांसेस है। यही आज हम लोग का मिला अपडेट है। डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहा है, बार बार रिमाइंडर वगैरह भेज रहा है सर्कलों का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए।